अभी शाम के टाइम हो रहा है तो मैं अभी से मेरी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 6 बज रहे हैं और आज मैंने पूरा दिन फिर मैंने कुछ DIY किया, तो उसके लिए पूरा दिन भर में मैंने ब्लॉग नहीं की और शाम से कर रही हूँ। वो भी आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं आज पूरा दिन में क्या बनाई। और अभी मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, मेरी किचन का रैक जो है मैंने दीपावली के टाइम पे उसको मुझे अभी बेचना नहीं था, मतलब फेंकना नहीं था उसको, लेकिन दीपावली के टाइम पे क्या हुआ था वो उसको धोते समय ना वो खराब हो गया था तो मुझे उसको फिर फेंक देना पड़ा। और जो मैं जिसमें किचन का अदरवाइज सामान रखती थी वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वो दोनों ही मैंने बाहर कर दी थी। तो इसलिए मैं अभी जाऊंगी देखूंगी किचन के लिए मुझे कुछ स्टैंड वगैरह लेने के लिए है और कुछ ग्रॉसरी आइटम का कुछ सामान लेना है उसके लिए, और जाऊंगी बिग यहाँ पे बिग बाज़ार सामने ही है मेरे घर के सामने, वहाँ जाऊंगी हम लोग। और अभी मैं पूरा दिन क्यों आप लोगों के साथ बातें नहीं की, ब्लॉग नहीं की, वो उसकी प्रूफ मैं दिखा रही हूँ। चलिए देखिए मैंने ये बना रही थी पूरा दिन भर आज, तो इसके चलते मैं आप लोगों के साथ बातें नहीं कर पाई, मतलब मेरी लंच वगैरह कुछ नहीं दिखा पाई और मैंने ब्लॉग भी नहीं कर पाई। देख लिए कैसा लग रहा है। मैं अभी जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं तो चाय पी लेते हैं उसके बाद निकलते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ बाद में बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं हो गई रेडी और ये है देखिए कैसे दिखाए आप लोगों को, ये मेरी बेटी भी तैयार हो गई। बेटा थोड़ा सा हट जाओ, तो हाँ ये है, ठंड में क्या पहने स्वेटर के बिना, है ना। तो चलिए चल रहे हैं अभी शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के क्या है, थोड़ी सी ग्रॉसरी और देखते हैं बर्तन रखने का स्टैंड का क्या होता है, अभी कुछ पक्का नहीं है। अच्छा लगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो चलिए मेरे साथ शॉपिंग में। शॉपिंग करके और जो बर्तन रखने वाली जो स्टैंड के लिए मैं गई थी वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि आज यहाँ पे वेडनेसडे में ना दुकान बंद रहते हैं, तो फिर मेरे दिमाग से भी निकल गए थे तो फिर वो मुझे नहीं मिले, तो मैं दूसरा कुछ लेके आई हूँ हाल फिलहाल के लिए, कुछ रखने के लिए।
और जो जो मैं लाई हूँ मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। पहले लेट हो रहा है तो पापा के लिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाई हूँ, ठीक है? तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। वो दे दिए, सिंपल सा खाना है, ज्यादा कुछ नहीं है। और हम लोग के लिए मैं बना रही हूँ चाइनीज चाउमीन। तो ये है चाइनीज, ये मैं बना रही हूँ, तो फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि रात हो रहा है और थोड़ा सा बाहर जाने के बाद आके ना काम करने में लेट हो ही जाता है ना, आप लोगों को भी होते होंगे, तो मुझे भी लेट हो गए हैं, तो मैं फटाफट से बना के मेरी बेटी की खाने का टाइम हो रहा है और रितुल के पापा का भी खाने का टाइम हो रहा है, तो फिर फटाफट कर लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं। और मैं चाइनीज में देने वाली हूँ ये कुकुम्बर, गाजर, मटर, कैप्सिकम नहीं है, नहीं तो मैं कैप्सिकम भी दे देती। पत्ता को भी काटने का टाइम नहीं है इतना, फटाफट से ये सब काट ली थी तो मैंने ये दे रही हूँ। और अभी अंडा भी दूंगी, तो अंडा में अच्छे से भुर्जी कर रही हूँ, देख लीजिए आप लोग। को सामान दिखाने के लिए मैं आज क्या क्या लाई हूँ, डिनर विनर सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोग को मैं क्या क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले एक मिनट में दिखा रही हूँ, ये देखिए क्या लाई हूँ, एक बिस्किट का पैकेट, एक कॉफी वाला बॉटल, और ये मेरी किचन वाली एक टॉवल लेके आई हूँ, मुझे बहुत जरूरत थी इसकी, बटर, चीज, बॉनविटा, और ये एक शैम्पू क्लिनिक प्लस, और ये मिक्स दाल है, ये अगर होता है ना तो बहुत अच्छा रहता है, और ये है सूजी, और ब्रेड भी ली थी, ब्रेड, बिस्किट एंड ये वाला बिस्किट है ना, इतना सब कुछ ले लिए और थोड़ा सा इतना ही लिए थे। और ये लेके आए, इसको मुझे अभी बनाना है, किचन के लिए मैं लेके आई हूँ इसको, मुझे किचन के लिए बहुत ज़रूरत था इसमें इसका, तो इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। और मुझे कुछ कुछ और चाहिए थी, जैसे चाय की पत्ती हम लोग जो लेते हैं, मतलब चाय की पत्ती हर महीने लाते हैं, वो मुझे नहीं मिली वहाँ पे, और लेना था मुझे, और भी कुछ कुछ लेना था जो मुझे वहाँ पे नहीं मिले, तो बाकी बाद में मेरे हस्बैंड लेके आएंगे। और आते समय बाजार करके ले आई थी मेथी की भाजी, टमाटर और अदरक बस, और एक मिठाई की काजू कतली जो हम लोग ने थोड़ी बहुत खा भी लिया तो बस इतना ही लेके आए थे क्योंकि पापा के लिए लेना, मीठा तो उनको पसंद मतलब देते नहीं, बट उनको तो खाना ही है, बोलते हैं वही ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, बस इतना ही लेके आए हैं। जो लेने गए थे वो दुकान बंद था तो नहीं मिले, वो बाद में ले लूँगी, अभी हाल फिलहाल के लिए, हाँ अभी हाल फिलहाल के लिए बस इससे ही काम चला लेते हैं, है ना, बस
मेरा तो आज का पूरा दिन ऐसा ही गया है। वो ब्लॉग्स बना रही थी मैं, कार्डबोर्ड वाला। मेरे घर में जो सामान आते रहते हैं ना इस टाइप की, ये कार्डबोर्ड, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको रख देती हूँ संभाल के। इसी से मैं कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ कि वेस्ट ना हो, रिसाइकल हो जाए। तो इसके लिए मैं रख देती हूँ, इसको फेंकती नहीं हूँ हर एक चीज़। और आज रात का स्पेशल था, आके फटाफट से क्या बनाऊँ। तो आटा थोड़ी बहुत था गूंदा हुआ, तो पापा के लिए रोटी, क्योंकि पापा तो चाइनीज़ वगैरह खाते नहीं हैं, तो उनके लिए रोटी ऑमलेट और दाल वगैरह ये सब, और हम लोग के लिए चाइनीज़ बन गया। तो रात का डिनर डन हो गया। रात में हल्का ही खाना वो होता है नहीं, बस इतना ही था मेरा। तो चलिए इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत बनाने के लिए, है ना। मत भूलना, ठीक है। मुझे बोलना कमेंट करके कि मेरी ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और रात भी बहुत हो चुके हैं, सारे काम भी कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट एंड टेक केयर।